बामनवास विधानसभा क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच विधायक इंदा मीणा का मान सम्मान करते हुए इसकी सीधी तस्वीर हम आपको जीनी होटल पर दिखा रहे हैं। और अभी कुछ ही देर बाद में यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रैली के माध्यम से पहुँचेंगे उनके निवास पर और धन्यवाद देंगे विधायक इंदा मीणा के नेतृत्व में। तो उनका जो मान सम्मान है वो किया जा रहा है और विधायक का जो निवास है जो खचा खचा अपने दर्शकों से भरा हुआ है। और मैं अभी आपको रूबरू करवाऊंगा विधायक से, अपने दर्शकों के बीच में विधायक का बामनवास विधानसभा के क्षेत्र के लोग महिलाओं से स्वागत कर रहे हैं, किसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं अब आपको और पन्नो लिए फोटो ले ले रहे अन्य 10 पंचायत से साहब के मौसम मैडम, आज आपके नेतृत्व में बामनवास विधानसभा क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देंगे उसके बाद। देखिए, सरपंच प्रतिनिधि नहीं, सारे आम जन और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जागरूक लोग हैं हमारे क्षेत्र के, वो सभी लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। क्योंकि जो विकास कार्य हमारे 3 साल के अंदर हुए हैं, उन सभी विकास कार्यों के लिए, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है और शिक्षा को देख लो, सड़कें देख लो, पानी बिजली सभी चीज़ों को लेकर आज हमने पूरा कामों का लिस्टेड किया है और वो एक फोल्डर हम चीन साहब को भी देके आएंगे। और विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता हमारी खुश, आप देख रहे हो कि खुश नजर आ रही है। मैडम, मैं जब से मैं देख रहा हूँ कि बजट जब से हुआ है उससे लेकर लगातार जो सौगातें क्षेत्र को लगातार मिलती जा रही है, कल भी कुछ सौगातें मिली, परसों भी कुछ मिली और आज मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कुछ ऐसी सौगातें देने वाली हैं आप जो क्षेत्र के लोग चौंक जाएं। देखिए, 3 अभी जो चौथा बजट 15वीं विधानसभा का चौथा बजट पेश हुआ, उसके अंदर 2 बार रिप्लाई हो चुका है। पहला मुख्य बजट था, दूसरा रिप्लाई हुआ। हर बजट में, हर रिप्लाई में बामनवास विधानसभा को 4 से 5 काम हमारे मिले हैं और उनको सबको लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं, छोटे छोटे विद्यालय भी कर्मोन्नत होने हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जो 33 KV GSS है, छोटी मोटी हमारी सड़कें हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य ऐसे हैं जो कि पूरे राजस्थान के लिए उन्होंने घोषणाएं की है। उनमें से जो हमारे हमारे सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अलावा हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हिस्से में आने का है, उनको जल्दी से जल्दी हम तैयार करके प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और जल्दी लाने का काम करेंगे। दो चीजों की आस है बामनवास के अठैचा क्षेत्र को, एक तो कृषि मंडी और एक कन्या महाविद्यालय। देखिए, कन्या स्कूल की बाटावदा ने मांग करी है और कन्या विद्यालय खुलवाने के लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त है हमारी सरकार के प्रति कि हमने जो मांग करी है, आज से पहले जितनी भी मांगे हमने करी है वो पूर्ण हो गई है और हमें पूरा विश्वास है कि हम मंडी भी 28 क्षेत्र में खोलेंगे और कन्या स्कूल पहले हम
खोलेंगे, उसके बाद में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 28 क्षेत्र ही नहीं, 28 क्षेत्र के साथ साथ आंतरिक क्षेत्र के अंदर भी हम कॉलेज खोलने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन जितने काम आप देख रहे हो, जितने काम हुए हैं, मुझे नहीं लगता कभी भी किसी भी कार्यकाल में, किसी भी कार्यकाल को आप छोड़िए, आज से पहले सारा काम काउंट कर लीजिए और 3 साल का काम काउंट कर लीजिए, ये जनता खुद स्वयं स्वीकार कर रही है इस चीज़ को। कल आपने बाटा था 2-3 स्टार थाने को कन्वेंट कर दिया, लेकिन अभी जनता को शायद पता ही नहीं है, कुछ लोगों को तो फोन करके हमसे पूछ ले, हमारे पास प्रेस नोट आया नहीं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, घोषणाएं इतनी हो चुकी है और घोषणाओं के साथ साथ धरातल पर भी उनका क्रियान्वयन हो रहा है। आप आम जनता को, जैसे कि घोषणाएं होती है, जो जागरूक लोग हैं उन्हीं को पता चल पाता है, जब क्रियान्वयन होता है उनका तब आम जनता को पता चल पाता है। तो क्रियान्वयन जैसे जैसे हो जाएगा, मैं सोच रही हूं और कोशिश कर रही हूं, मेरी प्रयास है कि इस साल में 2022 के अंदर पूरे के पूरे हमारे जो घोषणा हो चुकी है इतने 3 साल के अंदर, सारी की सारी क्रियान्वयन करवा चुके होंगे हम, और 2023 के शुरुआत में हम आपको दिखाएंगे कि जितने भी घोषणा हुई है सारी की सारी धरातल पर उतर चुकी है। विपक्ष कई बार मुद्दे उठाता है कि घोषणाएं होती है लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें धरातल पर उतार कर और आप लोगों के सामने पेश करूँगी, मेरी जनता के सामने उन चीज़ों को पेश किया जाएगा कि कोई भी जो घोषणा हुई है उसको हम किसी भी तरीके से कागजों में नहीं रहने देंगे, उसको धरातल पर लाकर छोड़ेंगे। दो चीज़, एक तो गौशाला और एक करेर टिगरा एनीकट बांध, इस बारे में क्या कहना? देखिए, एनीकट हमारा स्वीकृत हो चुका है और उसका जल्दी हम शिलान्यास करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक जल्दी से वो उसका टेंडर होने हो रहा है, उसकी प्रक्रिया धीरे सारी प्रक्रिया, अब जल्दी ही हम चाह रहे हैं कि गर्मी के अंदर वो एनीकट का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। उसके अलावा गौशालाएँ, गौशालाओं की जो कार्य है हमारा प्रक्रियाधीन है, ये हमने शुरुआत में जब चुनाव हमने लड़ा था उस समय हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा था, मेरा खुद का मुद्दा था, मैं जनता से कमिटमेंट नहीं करती हूँ, मैं अपने आप से कमिटमेंट करती हूँ, और मैं अपने आप से कमिटमेंट करने के बाद में उन कामों को मैं जनता के काम नहीं समझकर अपने खुद के काम समझती हूँ, और मैं उसी तरीके से मैंने गौशाला के दोनों ब्लॉकों के अंदर ज़मीनें हमने चिन्हित कर ली है और जल्दी ही इन ज़मीनों का आवंटन करवा के ये गौशाला हैं हम खुलवाने का काम करें। जिंदाबाद। हमारी नेता कैसी हो? जिंदा मीना जैसी हो। हमारी विधायक कैसी हो? जिंदा मीना जैसी हो। और अब विधायक अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में नाश्ता खुद अपने कार्यकर्ता के साथ में कर रही है और हमें जानकारी मिली है कि सुबह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, तो आप देखते रहिए, हम बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे। मैं तो नहीं घूमा गया, तब काय घूम रहा हूँ।